हेलो एंड वेलकम बैक टू का देखो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वेरिएंट्स एक्सप्लेन। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फोक्सवैगन वर्टिस के वेरिएंट्स के बारे में। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन एज यूजुअल विद द कलर ऑप्शंस। वर्टिस में टोटल 6 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 सोबर और 3 लाउड। व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लू और येलो कलर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। येलो और ब्लू कलर्स काफी यूनिक है, यू मस्ट कंसिडर दैम इफ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट। अब फोक्सवैगन पे माई पर्सनल फेवरेट्स हैव ऑलवेज बीन व्हाइट एंड सिल्वर। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। अगर ड्राइव ट्रेन ऑप्शन की बात करें तो फोक्सवैगन वर्टिस के साथ 2 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर कर रही है। 1 लीटर इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया गया है और बड़े 1.5 लीटर इंजन के साथ 7 स्पीड DSG का ऑप्शन दिया गया है। वेरियंट वाइज ड्राइव ट्रेन ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। चलिए अब देखते हैं फोक्सवैगन वर्टिस के बेस वेरिएंट में यानी कंफर्ट लाइन वेरिएंट में क्या फीचर्स अवेलेबल है। इस बेस कंफर्ट लाइन वेरिएंट में भी फोक्सवैगन ने वर्टिस को एक प्रीमियम सेडान लुक देने की कोशिश की है। बम्पर्स, मिरर्स, डोर हैंडल सब बॉडी कलर्ड तो है ही, लेकिन इसी वेरिएंट से आपको फुल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं विथ LED डे टाइम रनिंग लैम्प्स। टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं ORVMs पर और LED टेल लैम्प्स भी मौजूद है। 16 इंच के टायर्स इस वेरिएंट में प्रोवाइडेड है, लेकिन यहाँ पर कोई अलॉय व्हील्स नहीं है, सिंपल स्टील व्हील्स दिए गए हैं विथ व्हील कैप्स। अब लुक्स में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, जैसे बम्पर में कोई ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट नहीं है टॉप मॉडल्स की तरह, मैट ब्लैक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, कोई क्रोम एलिमेंट्स आपको वर्टिस कंफर्ट लाइन में नज़र नहीं आएंगे। शार्क फिन एंटेना इज ऑल्सो मिसिंग, लेकिन अगर आप इस वेरिएंट पर फॉग लैम्प्स इंस्टॉल कर दें, अलॉय व्हील्स इंस्टॉल कर दें, तो ओवरऑल इसकी लुक थोड़ी और बेहतर ज़रूर हो जाएगी। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ एक बेज ब्लैक कलर थीम प्रोवाइडेड है। डैशबोर्ड पर कोई कॉन्ट्रास्ट कलर्ड एलिमेंट्स तो नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग लेजर ग्रेनिंग फिनिश ज़रूर प्रोवाइडेड है। सीट्स की बात करें तो वहाँ पर ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है और सभी ऑक्यूपेंट्स के लिए इसी वेरिएंट से एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है। और एक अच्छी बात यह है कि इसी वेरिएंट से रियर सीट्स जो है वो फ्लैट फोल्ड होते हैं। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो वर्टिस कम्फर्ट लाइन में रिमोट की, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडोज, टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर्ड मिरर्स, डे नाइट IRVM, मैनुअल एयर कंडीशनिंग, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और USB टाइप सी पोर्ट प्रोवाइडेड है। अब देखा जाए तो सारे बेसिक्स अच्छे से कवर्ड है, लेकिन अगर इसी वेरिएंट में फोक्सवैगन फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट ऑफर करती तो बेहतर होता। इंफोटेनमेंट देखें तो इसी वेरिएंट से 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है विथ एन 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इज अवेलेबल, लेकिन ये वायरलेस नहीं है, वायर्ड है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एनालॉग डायल्स दिए गए हैं फॉर द टैकोमीटर एंड द स्पीडोमीटर और उनके बीच एक बेसिक ब्लैक एंड व्हाइट MID भी प्रोवाइडेड है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कंफर्ट लाइन वेरिएंट में ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट और टायर डिफ्लेशन वार्निंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फीचर, अगर कमी है तो बस रिवर्स पार्किंग कैमरा की। इस वेरिएंट में कोई मेजर मिसेज नहीं है, प्राइस के हिसाब से सारे बेसिक्स अच्छे से कवर्ड है। अगर आप एक बजट पर है और आप एक टर्बो पेट्रोल मैनुअल सेडान चाहते हैं तब आप वर्टिस के कंफर्ट लाइन वेरिएंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं मिड वेरिएंट यानी हाईलाइन वेरिएंट में फोक्सवैगन क्या ऑफर कर रही है। कंपेयर्ड टू द बेस कंफर्ट लाइन वेरिएंट, मिड हाईलाइन वेरिएंट के लिए आपको एडिशनली 1,76,000 रुपीज़ देने होंगे। ऑटोमेटिक के केस में ये बेस वेरिएंट बन जाती है। इस वेरिएंट में फोक्सवैगन ने वर्टिस के लुक्स को थोड़ा और सुधारने की कोशिश की है बाय मेकिंग इट अ लिटिल मोर प्रीमियम। तो यहाँ पर आप फ्रंट रियर बम्पर्स पर क्रोम नोटिस करेंगे, डोर हैंडल्स पर भी आपको क्रोम मिल जाता है, फ्रंट बम्पर में ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है और 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी आपको इसी वेरिएंट से मिल जाते हैं। और बेसिक डिफरेंसेस है जैसे शार्क फिन एंटेना और फ्रंट फॉग लैम्प्स। इंटीरियर के लुक में एक मेजर चेंज है। इस वेरिएंट का डैशबोर्ड बिल्कुल टॉप एंड मॉडल की तरह लगता है विद ग्लॉस ब्लैक एंड सिल्वर एक्सेंट्स। इस वेरिएंट में जो सीट अपहोल्स्ट्री है वो ब्लैक नहीं, बेज है, लेकिन इस वेरिएंट में भी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही मिलती है। और फोक्सवैगन ने इस वेरिएंट में ढेर सारे फीचर्स भी ऐड किए हैं। फंक्शनल फीचर्स देखें तो ड्राइवर पावर विंडो के लिए ऑटो अप डाउन फंक्शन, पावर फोल्डिंग मिरर्स, फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट,
रियर एसी वेंट्स और रियर सीट के लिए 60-40 स्प्लिट सीट की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। इसके अलावा कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, चिल्ड ग्लव बॉक्स, एम्बियंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। एक बड़ा अपग्रेड है इंफोटेनमेंट में, जहां टॉप मॉडल्स की तरह 10.1 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी इस टच स्क्रीन के साथ अनलॉक हो जाता है और रिवर्स पार्किंग कैमरा का फीड भी आप इसी स्क्रीन पर देख पाएंगे। फोक्सवैगन की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी यानी VW कनेक्ट इस वेरिएंट में एक ऑप्शनल फीचर है। अगर सेफ्टी की बात करें तो एडिशन सिर्फ एक है हिल असिस्ट का, बट दैट्स ओनली फॉर द ऑटोमेटिक वेरिएंट। ओवरऑल हाँ, प्राइस जंप थोड़ा हाई जरूर है, लेकिन उन पैसों के बदले आपको ढेर सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं। ये वेरिएंट अपने आप में कंप्लीट है और हमारा रेकमेंडेड वेरिएंट भी। अगर आप इसे ऑटोमेटिक के बेस वेरिएंट की तरह देखें तब भी ये काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर कर रही है। चलिए अब देखते हैं फोक्सवैगन वर्टस के टॉप एंड वेरिएंट यानी टॉप लाइन वेरिएंट में क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं। कंपेयर टू द हाई लाइन वेरिएंट, टॉप लाइन वेरिएंट के लिए आपको 1,44,000 रुपीज़ का प्रीमियम देना होगा। अब यहाँ पर जो भी फीचर्स ऐड हुए हैं वो सिर्फ इस गाड़ी का फील गुड फैक्टर बढ़ाते हैं, दे आर नॉट मस्ट हैव्स। लुक्स की बात करें तो इस वेरिएंट में फोक्सवैगन फुल LED हेडलैम्प्स और 16 इंच के मशीन फिनिश्ड अलॉय व्हील्स ऑफर करती है। इसके अलावा ग्रिल और विंडो लाइन के नीचे आप क्रोम एलिमेंट्स भी नोटिस करेंगे। इंटीरियर में जो भी फीचर्स ऐड हुए हैं वो मेजरली कन्वीनियंस के तरफ फोकस्ड है। ऑटो डिमिंग IRVM, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स प्रोवाइडेड है। इसके साथ को ड्राइवर सीट में भी हाइट एडजस्ट की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। इस वेरिएंट के फीचर हाइलाइट्स में शामिल है परफोरेटेड लेदरेट अपहोल्स्ट्री, इलेक्ट्रिक सनरूफ और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इस वेरिएंट में एक मेजर एडिशन है। अब इस वर्जन में टच स्क्रीन तो सेम है जो आपको हाई लाइन में मिलता है, लेकिन कुछ एप्स ऐड हो जाते हैं जैसे साइगिक ऑनबोर्ड नेविगेशन, गाना और ऑडियो बुक्स। और इस वेरिएंट से फोक्सवैगन कनेक्ट यानी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इज अ स्टैंडर्ड फीचर। सेफ्टी में भी यहाँ एक अपग्रेड है, इस वेरिएंट में आपको 2 के जगह 6 एयरबैग्स मिलते हैं। यहाँ पर भी जो प्राइस प्रीमियम है वो जस्टिफाइड है। अगर आपको एक फुल्ली लोडेड कार चाहिए, आप कोई भी फीचर्स पर मिस आउट नहीं करना चाहते या आप वो एडिशनल सेफ्टी चाहते हैं, तब आप इस वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी चॉइस रिमेन्स द हाई लाइन। अब इसी टॉप लाइन वेरिएंट पर बेस्ड है वर्टस का GT प्लस वेरिएंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर इंजन मिलता है विद द 7-स्पीड DSG। यहाँ पर लुक्स में एक्सटीरियर और इंटीरियर काफ़ी डिफरेंशिएशन फोक्सवैगन ने किया है। अगर एक्सटीरियर की बात करूँ तो यहाँ पर GT बैजिंग मिल जाती है, ब्लैक अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर और एक सटल बूटलिप स्पॉइलर भी। इंटीरियर की बात करूँ तो ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री प्रोवाइडेड है, परफोरेटेड लेदर स्टीयरिंग रैप मिल जाता है और जो लाइटिंग थीम है एम्बियंट लाइटिंग की और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, दैट इज रेड। टॉप लाइन के मुकाबले GT प्लस वेरिएंट में कोई एडिशनल फीचर्स नहीं मिलते, तो जो प्राइस प्रीमियम है वो आप दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस बड़े इंजन के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। इस इंजन के साथ सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अब हमने वर्टस के दोनों वर्जन्स को बैक टू बैक एक्सपीरियंस किया है और हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि 1 लीटर वर्जन के परफॉर्मेंस से आप खुश रहेंगे। 1.5 लीटर वर्जन सिर्फ उनके लिए है जो ड्राइविंग का शौक रखते हैं और इस इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन को अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आप ये शौक रखते हैं तो 2.2 लाख रुपए का प्राइस प्रीमियम आपके लिए जस्टिफाई करना आसान होगा। विद दैट आउट ऑफ द वे, चलिए वेरिएंट वाइज वर्डिक्स देख लेते हैं। सो दैट वॉज द फोक्सवैगन वर्टस वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड। क्या आप इस एनालिसिस से सहमत है? Let me know by replying to my pinned comment. कोई questions हो, queries हो, doubts हो, leave them below in the comment section. I'll reply to you personally. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next one.